आज होगा लेजेंडरी आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का अंतिम संस्कार। दिवंगत नितिन देसाई के अंतिम दर्शन करने पहुंचे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी दी मशहूर कला निर्देशक को श्रद्धांजलि। 2 अगस्त का दिन पूरे फिल्म जगत के लिए काला दिन साबित हुआ था, जब भारतीय सिनेमा के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नितिन देसाई के निधन के सदमे से बॉलीवुड अभी भी गम में डूबा है। वहीं निधन के 2 दिन बाद यानी कि आज नितिन देसाई को उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उन्हीं के एनडी स्टूडियो में पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। हालांकि उससे पहले आज दिवंगत लेजेंडरी आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के जे अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नितिन देसाई के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धासुमन भी भेंट किए। इस दौरान वहाँ कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। बता दें कि आज शाम को नितिन देसाई का अंतिम संस्कार करजत स्थित उनके एनडी स्टूडियो में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नितिन देसाई ने खुदकुशी से पहले अपने करीबी को एक वॉइस नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने अंतिम संस्कार से जुड़ी आखिरी इच्छा जताई थी। नितिन देसाई ने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार स्टूडियो नंबर 10 में ही किया जाए। ये वही स्टूडियो है जहाँ नितिन देसाई ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। करजत के एनडी स्टूडियो में नितिन देसाई के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आज यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच अंतिम दर्शन के लिए एनडी स्टूडियो में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई के अंतिम संस्कार में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एनडी स्टूडियो जाएंगे। मुंबई के जेजे अस्पताल से करजत स्थित एनडी स्टूडियो के लिए नितिन देसाई का पार्थिव शव रवाना हो चुका है। बता दें कि दिवंगत कला निर्देशक नितिन देसाई का पोस्टमार्टम मुंबई के जेजे अस्पताल में ही किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह सुसाइड ही बताया गया है। गौरतलब है कि फिल्मों के लिए बड़े बड़े और शानदार सेट डिजाइन करने के लिए मशहूर रहे नितिन देसाई ने 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे अपने एनडी स्टूडियो में फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी थी। वो अपने कुछ रिकॉर्डिंग्स और वॉइस नोट भी छोड़ गए थे। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्जा भी था। समय पर लोन ना चुकाने के चलते उन पर बोझ पड़ता गया और उन पर यह कर्जा 252 करोड़ रुपए का चढ़ गया, जिसे चुकाने में वो असमर्थ थे। बताया जा रहा है कि कर्ज के इस बोझ और स्टूडियो छिन जाने के डर के चलते वो काफी दबाव में थे। माना जा रहा है कि इन्हीं दबावों से परेशान होकर आखिरकार नितिन देसाई ने अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस अभी मामले की जाँच में जुटी है और नितिन देसाई की मौत के पीछे की असल वजह तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।